नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी'स किचन में। आज मैं शेयर कर रही हूँ पनीर की झटपट बन जाने वाली सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत जल्दी ये बन जाती है और खाने में ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया ये 200 ग्राम पनीर। पनीर को इस तरीके से मैंने लेंथ वाइज पीसेस में कट कर लिया है। आपको जो शेप पसंद हो उसमें आप इसको कट कर सकते हैं। पनीर हमारा कट हो गया। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ये प्याज। प्याज को भी मैंने इस तरीके से लेंथ वाइज कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर ये दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और एक ले लिया है मैंने बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर को भी मैंने इस तरीके से लेंथ वाइज कट कर लिया है। तो ये वेजिटेबल्स हमारी कट हो गई। अब मैंने गैस पर रख दी है ये कढ़ाई। मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो हमने कट करके रखे हैं। हमने पनीर को लेंथ वाइज कट किया इसलिए सारी वेजिटेबल्स को भी हमने लेंथ वाइज कट कर लिया ताकि सब देखने में एक से लगें। अब प्याज को हम मीडियम हीट पे हल्का हल्का सौते कर लेंगे। प्याज का हमें हल्का सा ही कलर चेंज करना है, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए प्याज हल्का हल्का भुन गया है, हल्का कलर इसका चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो सिर्फ अदरक भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको और इसको भी हम साथ में ही अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कुछ देर भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसको, ज़्यादा पकाना नहीं है टमाटर को हमें, इसको हमें क्रंची ही रखना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाएं ना आप, इसको हमें क्रंची ही रखना है। तो हल्का सा ही मैं इसको पकाने वाली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, करीबन 1/4 टीस्पून। एक चम्मच ऐड कर दूंगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। ज़्यादा मसाले इसमें डलते नहीं हैं, फिर भी सब्जी खाने में बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है। अब मसालों को भी हम साथ में ही भून लेंगे। सॉफ्ट नहीं करना है टमाटर को हमें बिल्कुल भी। ये देखिए इतना ही टमाटर को मैंने पकाया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़ा चम्मच घर की फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई इसमें ऐड कर दें। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मलाई ऐड करने से एकदम रिच फ्लेवर आ जाएगा इसमें। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर जो हमने कट करके रखा है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून गया। अब मैंने इसमें ये पनीर ऐड कर दिया है। पनीर ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से आप चलाएं ताकि पनीर हमारा टूट ना जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक्कन लगाकर पकाऊंगी स्लो हीट पे करीबन 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इसे हमें और पकाना है। तो 5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए सब्जी बनके मेरी तैयार हो गई है। सब्जी ने साइड में ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और सब्जी को मैं सर्व करूंगी। इसे आप सर्व कीजिए चपाती या फिर पराठे के साथ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।